आज मैं आपके साथ एक ऐसी DIY हेयर रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, बालों की ग्रोथ रुक गई है, या बहुत सारी रेमेडीज ट्राई कर ली फिर भी बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल रीग्रो नहीं कर रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये रेमेडी आपके बालों को जड़ से मजबूत करेगी, साथ ही लंबा घना मोटा बनाएगी, बालों को नेचुरल ब्लैक भी करेगी, साथ ही हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूँ आपकी दोस्त शीतल शर्मा, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यह रेमेडी बालों को काफ़ी तेजी से ग्रोथ करेगी, रीग्रो करेगी, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का जो बटन इसे प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको लेने हैं 10 से 12 अमरूद के पत्ते। इन अमरूद के पत्तों को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको इसे ग्राइंडर में पीस लेना है, इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। फिर इसे छलनी से छानकर इसका आपको जूस निकाल लेना है। इस जूस को कॉटन की हेल्प से आपको अपनी स्कैल्प में लगाना है और लगाकर आपको इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे बाद आपको अपने हेयर वॉश कर लेने हैं, जो भी शैम्पू आप यूज करते हो उससे, ठीक है। हफ्ते में आपको इस रेमेडी का 3 बार यूज करना है। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल रीग्रो नहीं कर रहे हैं, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको इसे हफ्ते में 3 बार जरूर लगाना है। टाइम नहीं मिलता है तो हफ्ते में 2 बार तो जरूर लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। बालों की ग्रोथ काफ़ी तेजी से होगी। अपना फीडबैक हमेशा जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू।